अभी मैं मौजूद हूँ पश्चिमी चंपारण जिला के बैरिया प्रखंड के अंतर्गत पखनाहा बाजार में, और पखनाहा बाजार का मिडिल स्कूल में जो शिक्षक के प्रति बच्चों ने प्रदर्शन किया, उसी प्रदर्शन में बच्चों ने क्या किया कि मोटरसाइकिल को जला दिया। अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये शिक्षक का मोटरसाइकिल है, जो प्रभारी थे विनय सर थे, और उन्हीं का ये बाइक है, और बाइक का भी आप लोग कंडीशन देख सकते हैं कि ये बाइक जो है पूरी तरह से जल गई है और रोड पर भी जला दिया है। सभी बच्चे ने उस प्रदर्शन के दौरान जो है बच्चे ने पूरा बाइक को जला दिया, और फिलहाल अभी इस बाइक का कंडीशन देख सकते हैं कि किस तरह से कबाड़ बन चुका है। इसका टंकी भी आप लोग देख सकते हैं कि कितना, एक तरह से कहा जाए इस टंकी में जितना भी पेट्रोल था वो पूरा बर्बाद हो गया। इस गाड़ी का, इस बाइक का यदि आप लोग टायर पर ध्यान दीजिएगा चक्का पे, तो जो भी टायर था, ट्यूब था, वो सारा कुछ जल गया। इसमें टायर का ये तार जो होता है ये आपको दिखेगा, यहाँ पे आगे भी आप लोग देखने की कोशिश करेंगे तो आगे के भी चक्का में जो भी टायर ट्यूब होता है वो सारा कुछ जल गया। हैंडल भी आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा, हैंडल भी पूरा बर्बाद हो चुका है। यहाँ पे जो सीट होता है ये सीट भी पूरा बर्बाद हो चुका है। यहाँ पे जो भी कुछ प्लास्टिक का था वो भी पूरा जल चुका है, और यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा नजर डालेंगे जो कुछ भी प्लास्टिक का होता है वो सारा कुछ जल गया। अभी हैंडल का स्थिति आप लोग देखने की कोशिश करेंगे तो इस तरह का ये हैंडल हो चुका है। यानी जो बच्चे ने, जो बच्चे प्रदर्शन किए थे उस दौरान जो उनके बाइक था उस बाइक को लाकर रोड पर जो जला दिए, जलाने के दौरान इस तरह के ये कंडीशन हो चुका है, पूरा बाइक जो है जलकर राख हो गया है, ये पूरा कबाड़ हो चुका है। ये बाइक कौन था, बाइक का नाम दिख रहा है, कौन था, हुंडा था, हुंडा में कौन था, ये बाइक का नाम भी नहीं दिख रहा है, ये बाइक का नाम भी नहीं दिख रहा है, ये कहीं कौन सा बाइक था। पूरा मतलब एक तरह से कहा जाए तो जलकर ये बर्बाद हो चुका है, ये पूरा इसका इंजन बर्बाद हो गया, इसका पावदान जो भी होता है वो सारा कुछ थोड़ा सा दिखाइए, ये देखिए पूरा इसका मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये बर्बाद हो गया। अब जो है इसको लोग जो है ले जा रहा है शायद कबाड़ में फेंकने के लिए ले जा रहा है, या कहाँ ले जा रहा है ये लोग जानते हैं। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि कुछ भी इसमें नहीं बचा है, पूरा जलकर राख हो चुका है।